अगर हमें कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है अपने बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ पे ओपन कार्ट, एक ओपन सोर्स शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन पहले से हम लोग को मिल जाता है, मतलब फ्री अवेलेबल है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यहाँ पे ओपन कार्ट ही है, क्योंकि इसी को मैक्सिमम जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट है बहुत सारे लोग इसी को यूज करते हैं, और ये फ्री अवेलेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फ्री डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से होस्टिंग वगैरह का भी सॉल्यूशन मिलता है, अगर होस्टिंग यहीं से लेना चाहते हो यहाँ से भी ले सकते हैं, या तो हम लोग इसको डाउनलोड करके हम लोग अपने ही होस्टिंग पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। ओपन जब हम लोग करेंगे इसको, तो ये हम लोग को एक जिप फाइल देता है, ठीक है। ओपन कार्ट का एक जिप फाइल हम लोग को डाउनलोड करके मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओपन कार्ट, यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। ये ओपन कार्ट नाम का हम लोग को यहाँ पे फोल्डर मिल गया, हम लोग को इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी तो मेरे पास जैम सर्वर वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं चीजें इसमें बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे होस्ट करके मिल जाता है हम लोग को। अभी इसको अपलोड कैसे किए हैं वो सारी चीजें मैंने इसमें बता दिया। अगर हम लोग यहाँ डेमो देखना चाहें, डेमो से हम लोग सारी जानकारी हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें दो चीजें होती है, ठीक है। एक स्टोर फ्रंट होता है जो यूजर देखता है, ठीक है। जो भी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट पे आएगा तो उसको स्टोर का फ्रंट दिखेगा, ठीक है। ये है स्टोर का फ्रंट, ठीक है। इसमें वही सारी चीजें मिलती है जो हम लोग को फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाती है, ठीक है। हम लोग यहाँ फीचर्ड मिलता है, बहुत सिंपल सा यहाँ पे लेआउट दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको पूरा का पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और बहुत सारे इसमें थीम्स भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। थीम्स भी हम लोग को बहुत सारे अवेलेबल हो जाते हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये मेनू है, ठीक है, ये सारे मेनूज है, ठीक है। यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आपके स्टोर का नेम हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो कार्ट है, ठीक है, ये बास्केट जो होता है कार्ट, वो सारी चीज दिख रहा है। विश लिस्ट है यहाँ पे, शॉपिंग कार्ट है, माई अकाउंट जाओगे तो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन दोनों दिया हुआ है, चेकआउट में यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। शॉपिंग कार्ट में अभी कुछ भी नहीं है तो खाली दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ये स्टोर का फ्रंट हो गया। अगर हम लोग इसका एडमिन पैनल यहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे डेमो डेमो करके हम लोग इसका यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर में लॉग इन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को इस टाइप का एक एडमिन पैनल मिलता है, जिससे हम लोग सारी सेटिंग करके इस स्टोर फ्रंट को हम लोग चलाते हैं, ठीक है। स्टोर फ्रंट को हम लोग क्या करेंगे, चलाएंगे, ठीक है। इसमें जो भी इमेजेस वगैरह डालनी है, या फिर जो भी हम लोग को प्रोडक्ट्स के बारे में डालना है, जो भी चीज की सेटिंग हम लोग को करनी है, जो भी चीज हम लोग यहाँ डिस्प्ले करना है, वो सारी सेटिंग हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे डिजाइन, ठीक है, डिजाइन में लेआउट, थीम एडिटर, लैंग्वेज एडिटर, बैनर्स, एसईओ, यूआरएल, सब चीज यहाँ पे दिया हुआ पहले से, ठीक है। बैनर्स में अगर हम लोग देखें तो बैनर यहाँ पे दिया हुआ, होम पेज स्लाइड शो, होम पेज स्लाइड शो मतलब ये वाला है, ठीक है, ये वाला स्लाइड शो चल रहा है, ठीक है। एचपी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। इनेबल्ड है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब ये वाला कार्ड, ठीक है। और भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं, प्लस वाले सिंबल्स हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी बैनर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। थीम एडिटर में अगर हम लोग जाएंगे तो थीम भी बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारा थीम हम लोग को मिल जाता है, वो थीम भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे थीम मिलते हैं, फ्रीली अवेलेबल होते हैं थीम भी, और हम लोग अपने इस स्टोर का लुक जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये बहुत सिंपल सा है, सेल्स है यहाँ पे, ऑर्डर, रिकरिंग प्रोफाइल, रिटर्न्स, गिफ्ट वाउचर दिया हुआ है, कस्टमर के बारे में दिया हुआ है, कस्टमर्स, कस्टमर ग्रुप्स, कस्टमर अप्रूवल्स, कस्टम फील्ड्स, ठीक है। मार्केटिंग कैसे करना है, यहाँ पे मार्केटिंग में अगर हम लोग देखें तो सारी चीजें, हाँ, कैंपेन नेम, बस यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ एपीआई ऐड करना होता है, जैसे कि हम लोग को एसएमएस के एपीआई हम लोग को करने हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स है, मान लो 1000 कस्टमर है, कुछ हमारे स्टोर में नया ऑफर आया, 1000 कस्टमर
कस्टमर को हम लोग का एसएमएस भेजना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक एपीआई लगा देते हैं। एपीआई लगाने से क्या होता है, एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई लगाने से हम लोग को इसी पैनल पे एसएमएस भेजने के हम लोग को ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैंपेन नेम डालेंगे, कोड डालेंगे, क्लिक्स डालेंगे, ठीक है, और भी हम लोग कुछ कुछ इसमें चीजें डालते हैं, और यहाँ से हम लोग एसएमएस भी भेज सकते हैं, ठीक है। कूपन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के कूपन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। मेल हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, न्यूज लेटर्स के या फिर सब्सक्राइबर जो भी सब्जेक्ट वगैरह लिखे और सेंड कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को मेल के भी ऑप्शन, सिस्टम सेटिंग्स भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, सेटिंग्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो ये स्टोर यूआरएल है वो हम लोग यही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लोकलाइजेशन में स्टोर लोकेशन, लैंग्वेजेस, करेंसीज, ठीक है, स्टॉक स्टेटस, ऑर्डर स्टेटस, जो आप लोग शॉप का भी बना रहे हैं प्रोजेक्ट, यही सारी चीजें होती है इसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, एक बार आप अगर इसको ओपन करके देखेंगे तो अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। फिर आता है रिपोर्ट्स, अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कस्टमर ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट देख सकते, ठीक है। टैक्स रिपोर्ट है या कस्टमर सर्विस रिपोर्ट है, अलग अलग टाइप के हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हैं, ठीक है। देखो इस टाइप का यहाँ पे हम लोग को दिख गया, ठीक है, पूरा यहाँ पे दिख रहा है 117 पेजेस है, और यहाँ पे बहुत सारे हम लोग को रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। हूज ऑनलाइन, कौन कौन ऑनलाइन है, मतलब कौन कौन अभी आपका जो स्टोर है, मतलब जो आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है उसको कौन कौन देख रहा है, उसमें कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी यहाँ बताते हैं। स्टेटिस्टिक्स में भी हम लोग को सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे स्टेटिस्टिक्स में भी हम लोग को मिल जाती है। तो इस टाइप का यहाँ पे ओपन कार्ट पे जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हम लोग को फ्री मिलता है, और हम लोग खुद का एक ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ से बना सकते हैं।